बीजेपी ने, लेकिन हम वो बदनामी ना ही बर्दाश्त करते आए हैं और ना ही इससे आगे हम बदनाम होने देंगे इस मौज कशीर को, कश्मीर को बनाया है इनको, लोग इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे और इनको महसूस हो रहा है तभी तो ये बौखलाहट आ रही है। लड़ाई जो मुल्क की थी मैदान छोड़ के भाग गए, उसका कारण क्या है वो कि हमारी जो मुल्क की खूबसूरती है उसको बहाल कर लीजिए, और आप लोगों ने जो नफरत की बातें जो आपने पूरे मुल्क में फैलाई है उस नफरत को छोड़ के भारत जोड़ो में आप लोग। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल आज देखने को मिलती है कि 5 अगस्त के बाद जो सारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज फ्रीज हुआ था तो धीरे धीरे पटरी पे आई, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ऑप्शन क्रिएट किए हैं उन ऑप्शनों के साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी टास्क दिया गया है कि किस प्रकार से आप जम्मू कश्मीर को डिवाइड करेंगे, और हाल ही में जो उनके इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं दिन ब दिन कांग्रेस के ऊपर वो यही है, उसको हम ये समझते हैं कि शायद DAP लीडरान अपना पैर नहीं जमा पा रहे हैं लोगों के बीच में और कांग्रेस को ये आड़े ले रहे हैं कि किस प्रकार से हम कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी करें ताकि ये DAP के मोबिलाइजेशन में लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से पूरे मुल्क में आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जम्मू कश्मीर भी राहुल गांधी को आना है, हम उसके तैयारी में लग रहे हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से लेके। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट वकार उसुलवानी साहब जो हमारे सीटन कैडर के लीडर्स हैं, उनका हर एक ये पॉइंट रहता है कि लोगों के हित के लिए काम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत के लिए काम होना चाहिए, और जो सेकुलर आइडियोलॉजी को लेकर राहुल गांधी इस वक्त चल रहे हैं पूरे मुल्क में उसकी मजबूती को लेकर हम एक बार फिर जम्मू कश्मीर से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो मुल्क की खूबसूरती है उसको बहाल कर लीजिए, और आप लोगों ने जो नफरत की बातें जो आपने पूरे मुल्क में फैलाई है उस नफरत को छोड़ के भारत जोड़ो में आप लोग हिस्सा ले लीजिए ताकि हमारी जो मुल्क की खूबसूरती है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाए। आप लोगों ने जो नफरत की बातें जो आपने पूरे मुल्क में फैलाई है उस नफरत को छोड़ के भारत जोड़ो में आप लोग हिस्सा ले लीजिए ताकि हमारी जो मुल्क की खूबसूरती है उसको और ज़्यादा बढ़ावा। ये तो उनकी बौखलाहट है, और जहाँ मैं नाम नहीं लूँगा कुछ लीडरान डे टू डे ये चीज़ें करती हैं, शायद उनको ये चीज़ भूल रहे हैं कि कांग्रेस एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन में जहां हजारों के तादाद में लीडर निकल गए, लेकिन कांग्रेस ने जो संस्कार दिए हैं लीडरों को, प्रोजेक्शन दिया है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया है, हर प्रति मिला, जो भी कोई प्रोटोकॉल जो भी कोई पोर्टफोलियो था वो तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया, लेकिन लड़ाई जो मुल्क की थी मैदान छोड़ के भाग गए, उसका कारण क्या है वो मेरे से बेहतर उनके लीडरान सियाद बेबुनियाद है। ये तो बौखलाहट है, सीधी बात है। ये भी एक टॉक्सिक किया गया है DAP को कि कश्मीर को आप हर प्रति बदनाम करो बीजेपी ने, लेकिन हम वो बदनामी ना ही बर्दाश्त करते आए हैं और ना ही इससे आगे हम बदनाम होने देंगे इस मौज कशीर को। और जिन्होंने ये मैदान का ये इस कश्मीर को बनाया है, इनको लोग इस तरह से यहां से निकाल देंगे और इनको महसूस हो रहा है तभी तो ये बौखलाहट आ रही है इनकी।